गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी साहित्य से आपका 14वां पाठ आंखों की देखभाल। बच्चे आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में आंखों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आंखें अगर ना रहे तो हमारा जीवन एकदम अंधकार में होता है, इसलिए हमें अपनी आंखों की रक्षा करनी चाहिए। आंखों का इस्तेमाल जब आंखें सुबह उठते हैं तब से लेकर जब तक सोते नहीं है, दिन भर हमारी आंखों का इस्तेमाल होता रहता है। तो ऐसे ही कुछ कहानी या फिर किताबें दी गई है जो एक बच्चे को लेकर दी गई है, मैं उसको बताती हूँ। आप रोज की तरह सुबह रमन अपनी आंखों को मलते हुए उठता है और उसकी आंखों में उसको महसूस होता है कि थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन उसको अनदेखा कर देता है और रोज की तरह वो तैयार रहता है और अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल जाते जाते उसे बहुत ज्यादा आंख में दर्द होने लगता है, चूहन होने लगती है, जलन होने लगता है। फिर क्या होता है, जब वापस आता है तो उसकी आंखें खूब लाल हो गई रहती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हैं? तो बोल रहा है पता नहीं क्या ना हो गया है मेरी आंखों में, जो मेरी आंखों में इतना दर्द हो रहा है, अब तो पानी भी आ रहा है आंखों में। उसकी माँ उनकी आंखों पे ठंडे पानी से धुलती है और शाम होते ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर अंकल उनसे पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम कहां पर बैठ के पढ़ते हो? तो अभी वो कुछ बोलने वाला नहीं रहता, उसकी माँ उससे बोलती है कि रोज बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई करता है, अपनी आंखों के पास किताब पढ़ लेता है, इसके बाद से टीवी भी देखता है, तो बिल्कुल नजदीक जाकर टीवी देखता है, पास में टीवी देखता है। डॉक्टर ने उनकी बात को सुना और बोला कि ऐसा करना बहुत गलत है। फिर उसने डॉक्टर ने उसे पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, खाने में तुमको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है? तो जैसा कि आजकल के बच्चों को पसंद है चॉकलेट, मैगी, बर्गर, पिज्जा, अनेक तरह की फास्ट फूड, ये सारी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो उनकी माँ ने कहा ये चॉकलेट पसंद करता है, पिज्जा, बर्गर, मैगी ये सब पसंद करता है, हरी चीजों को और फल को देखते हुए ही ये अनदेखा करने लगता है, भगने लगता है। तो डॉक्टर अंकल ने कहा कि ये सारी दिक्कत जो तुम्हें हो रही है वो तुम्हारी इन गलत कारणों से हो रही है, जो गलत आदत है इन्हीं कारणों से हो रही है। उन्होंने उनको समझाया कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है, जो प्रोटीन से विटामिन ए से हमें मिलता है। और हमारे जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमेशा अपनी किताबों की जो दूरी है 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए, तब जाके हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। उस दिन से रमन इस बात को ध्यान लेता है और डॉक्टर अंकल से प्रॉमिस कर रहा है, उनसे वादा करता है कि आज के बाद से मैं टेबल पर बैठ कुर्सी पर बैठ कर टेबल पर किताब रख के पढ़ूंगा, हरी सब्जियों को और फलों को खाऊंगा। बच्चों इससे हमें ये शिक्षा मिलती है आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ देखने का तरीका सही होना चाहिए, तभी हम अपनी आंखों का सही से सुरक्षा कर सकते हैं। इसका नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।